सैमुअल चार्ली को फिस्ट ऑफ फर्स्ट मैन पर ड्रैगन ग्लास मिलता है। वो बताता है कि मेस्टर्स इसे ऑब्सीडियन कहते हैं। आपने सीजन 8 के एपिसोड 1 में भी ड्रैगन ग्लास देखा होगा। आखिर ये ड्रैगन ग्लास है क्या, बताती हूँ। ज्वालामुखी यानी वॉल्केनो से निकला लावा जब जम जाता है ऑब्सीडियन का रूप ले लेता है। ये एक तरह का वॉल्केनिक पत्थर है। इसके अंदर कुछ खास तरह की जादुई ताकत होती है जिस वजह से चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट ड्रैगन ग्लास का इस्तेमाल करते थे अपने वेपन्स बनाने के लिए। माना तो ये भी जाता है कि एक दौर में चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट हर साल ड्रैगन ग्लास के 100 बने हुए वेपन्स नाइट्स वॉच को भेंट करते थे ताकि नाइट्स वॉच इनका इस्तेमाल व्हाइट वॉकर्स के खिलाफ कर सकें। हम जानते हैं कि ड्रैगन ग्लास ड्रैगन स्टोन की गुफाओं में मौजूद है। इसके अलावा ये अशाई में भी पाया जाता है, बल्कि कहा तो ये भी जाता है कि वेलेरिया में भी ड्रैगन ग्लास का इस्तेमाल होता था, बल्कि इससे ज्वेलरी बनाई जाती थी। इससे बनी कैंडल्स तक बाजारों में मिलती थीं। शो में हमें दिखाते हैं कि सैमुअल चार्ली एड और ग्रेन के साथ ड्रैगन ग्लास डिस्कवर करता है, मगर किताबों में ये ड्रैगन ग्लास जॉन को मिलता है। ग्लास वाइट्स के खिलाफ काम नहीं करता। किताबों में सैमुअल चार्ली जब एक वाइट को ड्रैगन ग्लास के बने डैगर से मारने की कोशिश करता है तो ये खंजर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और वाइट को कुछ नहीं होता। बाद में वो ये किस्सा मेलिसैंड्रे को बताता है और वो कहती है वाइट्स के खिलाफ सिर्फ आग या स्टील काम करेगा। किताबों में ये भी पाया गया है कि वेलेरियन स्टील भी वाइट्स पर कोई खास असर नहीं करता। जिस तरह से कोई भी स्टील वाइट को दो टुकड़ों में कर देगा, वेलेरियन स्टील भी बस यही करता है। यानी कि वाइट्स को खत्म करने का असली तरीका सिर्फ आग है। सैम की कहानी सुनने के बाद स्टानिस बराथियन ने ड्रैगन स्टोन के लिए एक खत लिखा था। ये खत सर रोलैंड के नाम था। उनसे कहा गया था कि ड्रैगन स्टोन में मौजूद गुफाओं में माइनिंग शुरू कर दी जाए क्योंकि इन्हें ड्रैगन ग्लास से हथियार बनाने हैं। वैसे ड्रैगन ग्लास स्टील से ज्यादा तेज तो होता है मगर ज्यादा मजबूत नहीं होता, टिक नहीं पाता। इसीलिए इसकी तलवारें नहीं बनाई जाती बल्कि छोटे छोटे खंजर का रूप दे दिया जाता है। ड्रैगन ग्लास का इस्तेमाल तीर बनाने के लिए भी किया जाता है। वाइल्डलिंग्स के हथियारों में भी अक्सर ड्रैगन ग्लास का इस्तेमाल पाया जाता है। जब वाइल्डलिंग्स कैसल ब्लैक आए थे तब जॉन स्नो ने इस बात को नोटिस भी किया था। हालांकि हमें ये नहीं पता कि वाइल्डलिंग्स इस बात से वाकिफ हैं या नहीं। उनके पास मौजूद ड्रैगन ग्लास व्हाइट वॉकर्स को मारने के काम आएगा। हमारी दुनिया में जिस चीज को ऑब्सीडियन कहा जाता है, अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की दुनिया में ड्रैगन ग्लास वही है। अगर हमारी दुनिया में भी व्हाइट वॉकर्स होते तो शायद हम ऑब्सीडियन का उनके खिलाफ इस्तेमाल करके चेक कर सकते थे कि वाकई ये कारगर है या नहीं। किताबों में जब भी ऑब्सीडियन की बात होती है उसे ड्रैगन ग्लास के नाम से ही बुलाया जाता है, बस उन जगहों पर नहीं जहां पर मेस्टर्स इस बारे में चर्चा कर रहे हों। एक आध बार सैमुअल चार्ली ने भी इसे ऑब्सीडियन कहा है। अब जाहिर सी बात है वो मेस्टर बनना चाहता है तो उन्हीं की लैंग्वेज में बात करेगा। ड्रैगन ग्लास के लिए वेलेरियन भाषा में जिस शब्द का इस्तेमाल होता है उसका मतलब है फ्रोजन फायर यानी जमी हुई आग। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स का सीजन 6 अभी तक नहीं देखा है तो ये वीडियो यहीं देखना बंद कर दीजिए, आपके लिए आगे स्पॉइलर हैं। चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट ने ड्रैगन ग्लास का इस्तेमाल करते हुए एक इंसान को व्हाइट वॉकर बनाया। और व्हाइट वॉकर्स को मारने के लिए भी ड्रैगन ग्लास काम आता है। इतना तो तय है कि ड्रैगन ग्लास के बारे में हमें अभी तक जितना बताया गया है वो पूरी स्टोरी नहीं है। आखिर चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट ने ड्रैगन ग्लास का इस्तेमाल ही क्यों किया, इससे और क्या क्या चीजें हो सकती हैं? जब आगे की किताबें आएंगी तब पता चलेगा। तब तक के लिए बाय। एक मिनट, अब भी कहाँ जा रहे हैं? इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अगर आपने अभी तक वॉच रोज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए। चाहे तो बेल आइकन पर भी टैप कर सकते हैं और मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूंगी आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा।